हाय फ्रेंड, आशा करते हैं आप सब ठीक है। आपके सारे बार भी बहुत अच्छे। आज मैं फिंच बर्ड के पेयरिंग के ऊपर कुछ टिप्स दूंगा आप लोगों को कि फिंच बर्ड की पेयरिंग कैसे करें। तो फिंच बर्ड का पेयरिंग करना तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। तो मेरा एक सब्सक्राइबर भाई है जिसने मुझे बताया कि भाई फिंच का पेयरिंग कैसे करें, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। फिंच का पेयरिंग करना तो ऐसा कोई मुश्किल बात नहीं है, इसलिए मैंने इस टॉपिक पर कभी वीडियो नहीं बनाई। तो उस भाई के लिए ये वीडियो स्पेशल ही है, ठीक है। तो उस भाई को मैं बोलना चाहूँगा कि भाई आप जब फिंच का कोई पेयरिंग करे तो पहले आप अगर ऐसा केज मेरे तरह केज में रख रहे हो तो पेयरिंग तो देख के करना पड़ेगा। आप अगर आपका कॉलोनी है, आपका एक साथ 7-8 पेयर या 4-5 पेयर 10 पेयर रखे हो तो आपको पेयरिंग का कोई ज़रूरत नहीं होगा। आप मेल फीमेल देख के कॉलोनी में छोड़ देंगे तो वो खुद ही प्यार एक दो हफ्ते के अंदर पेयरिंग करके अंडे दे देंगे, अगर एडल्ट प्यार होंगे तो, ठीक है। सेमी एडल्ट प्यार होंगे तो थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन एडल्ट होंगे तो थोड़ा भी टाइम नहीं लेता, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा एक व्हाइट का प्यार है। मैंने इसको पेयरिंग कैसे की आप अगर मैंने पूछेंगे तो इसको मेल फीमेल देख के अलग से डालना पड़ता है। आप अगर ऐसे मेरे तरह एक पोर्शन में एक बाई डेढ़ का पोर्शन में एक प्यार रखते हो तो आपको मेल फीमेल देख के कन्फर्म करके रखना पड़ेगा। आपका बार्स अगर एडल्ट हो तो वो एक दो दिन के अंदर प्यार बना के एक हफ्ते के सात या आठ दिन के अंदर अंडे दे देगा, ठीक है। आपका प्यार अगर थोड़ा छोटा हो या सेमी एडल्ट हो वो थोड़ा टाइम लेगा। और कॉलोनी में तो कोई मसला नहीं है, आप 10 मेल डाल सकते हो, 15 फीमेल डाल सकते हो या 2-4 मेल ज़्यादा डाल सकते हो। फिंच का कॉलोनी में कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। और आप लोग एक चीज़ ख्याल करना, ध्यान रखना कि आप जब कॉलोनी में कोई फिंच बर्ड रखते हो तो हर ब्रीडिंग के वक्त हर फीमेल किसी दूसरे मेल के साथ प्यार बना लेता है। ये बात नहीं कि इस मेल के साथ प्यार हो गया तो इस मेल के साथ ही अगले बार ब्रीडिंग करके अंडे देगा, उसके बाद भी ये यही मेल के साथ ब्रीडिंग करेगा, ऐसा नहीं होता। फिंच की कॉलोनी में तो एक एक ब्रीड के बाद वो प्यार अपना प्यार चेंज करते रहता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना। और केज में तो हम पकड़ के डाल देते हैं, इसलिए कोई बात नहीं। और कॉलोनी में आपका मेल जितना एग्रेसिव होगा आपका प्यार उतना जल्दी होगा, उतना जल्दी अंडा मिलेगा। और केज के हिसाब से आप अगर कॉलोनी में रख रहे हो तो कॉलोनी में आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा जल्दी मिलेगा, क्योंकि केज में थोड़ा ब्रीड आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप जब कॉलोनी में रखेंगे तो आपको थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। और आपका मेल अगर बहुत सारा ब्रीडिंग मूड में होगा और वो एग्रेसिव होगा तो आप जब भी कोई नया मेल छोड़ेंगे कॉलोनी में तो आप देखना कि उसके साथ मीटिंग करने लग गया है 1-2-3 फिर मेल आके, ठीक है। तो कॉलोनी में कोई बात नहीं। और केज में तो मेल जितना जो एग्रेसिव होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कितने दिन में प्यार बनाएगा, कितने दिन में अपना अंडा देगा। और मेल के ऊपर डिपेंड करते हैं वो नेस्ट का कितना जल्दी बनाता है, उतना जल्दी फीमेल अंडा देगा। तो नेस्ट बनाना हो गया तो अंडे आने में 2-3 दिन या 4 दिन लग जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बताऊँ कि आप जब केज में रख रहे हैं, अब जब केज मेरी तरह केज में पेयरिंग कर रहे तो मेल फीमेल देख के डाल दे, कुछ एक महीना आपको देखना चाहिए, उसके अंदर वो ब्रीडिंग आ जाएगा, ठीक है, और अंडे भी दे देगा। यह बात देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने सारे नया प्यार को ब्रीडिंग के लिए दिया, कुछ कुछ प्यार ने ब्रीडिंग भी किया है, नेस्ट के अंदर अंडा दिख रहा है आपको, कुछ प्यार 3-4 प्यार ने अंडे भी दिया अंदर, ठीक है। तो ये मेरा सेमी एडल्ट प्यार तो सारे अभी एडल्ट लगभग हुआ है,
और आप अगर एडल्ट पेयर डालेंगे तो हो सकता है 1-7 दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और कुछ जानना है तो कमेंट जरूर कमेंट करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक दे देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।